स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग AU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में BSc केमिस्ट्री का पार्ट 6 करने वाले हैं, और आज के इस पार्ट में हम अम्ल क्षार एवं लवण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमने केमिस्ट्री की इसके अतिरिक्त काफ़ी वीडियोस और बनाई थी, लेकिन वो सारी वीडियोस टॉपिक पर थी, और ये जो वीडियोस बन रही हैं ये प्रैक्टिस सेट पर है, अर्थात इसमें आपको केवल मल्टीपल चॉइस आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बहुत सरल क्वेश्चन विशाल लग रहा है। अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ब्रास्टल लोरी जो थे उनके अनुसार सारे अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सारे क्षारक जो हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो अम्ल वह है जो प्रोटॉन देता है, मतलब H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, अभिक्रिया H2O प्लस HCl, तीर का निशान H3O प्लस प्लस Cl माइनस में H2O का व्यवहार होता है। ऑप्शन ए अम्ल जैसा, ऑप्शन बी क्षार जैसा, ऑप्शन सी लवण जैसा, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये देखना है H2O ने यहाँ किया क्या है। इस HCl में से H प्लस जब हटा तो जुड़ा का है हमें H2O में। अब H2O H प्लस को ग्रहण कर रहा है। अभी यहाँ पर H प्लस देने वाला, मतलब प्रोटॉन का मतलब H प्लस होता है, H प्लस देने वाले को अम्ल कह रहे हैं। अब H2O यहाँ पर H प्लस ले रहा है, और जो H प्लस लेगा वो कैसा व्यवहार करेगा, वो क्षार जैसा व्यवहार करेगा। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। नंबर नेक्स्ट, NaCl का pH मान है, NaCl का pH मान है, NaCl एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के संयोग से बना हुआ लवण है, इसलिए इसका pH मान कितना होगा, 7। उदासीन होता है ना, इसलिए इसका विलयन उदासीन होगा। ठीक है, इसलिए इसका pH मान कितना होगा, 7। नंबर नेक्स्ट, NaOH एक प्रबल क्षार है क्योंकि यह बहुत अधिक आयनीकृत होता है। दूसरा, यह पानी में अधिक घुलनशील है। तीसरा, यह प्रबल अम्लों को उदासीन करता है, इसमें OH माइनस आयन होते हैं। तो देखिए, किसी भी क्षार की प्रबलता उसके आयनीकरण पर डिपेंड करेगा, तो जितना ज़्यादा आयनीकृत होगा उतना ज़्यादा वो प्रबल होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, NH2- का संयुग्मी अम्ल है, NH2- का संयुग्मी अम्ल है। तो देखिए, संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं, पहले आप ये जानें। देखिए, जब कोई पदार्थ H प्लस ग्रहण कर लेता है, ध्यान दीजिए, जब कोई पदार्थ H प्लस ग्रहण कर लेता है तो बनने वाली चीज़ उसका संयुग्मी अम्ल कहलाती है। तो अगर इसको H प्लस देंगे तो वो प्लस इसके माइनस को कैंसिल करेगा, और यहाँ यानी H2 के बजाय यानी H3 हो जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, पांचवे का ए। HBr का संयुग्मी क्षार है, तो वहाँ प्रोटॉन ग्रहण किया गया, यहाँ प्रोटॉन निकाल दीजिए, तो प्रोटॉन निकालेंगे तो Br माइनस आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिए जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। H2PO4- का संयुग्मी अम्ल है, तो संयुग्मी अम्ल जानने के लिए इसमें फिर से आप H प्लस दे दीजिए, तो बनेगा क्या आपका, H3PO4, क्या बनेगा, H3PO4। नंबर नेक्स्ट, एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है, तो इसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुक्षारकीय अम्ल का मतलब क्या होता है, ऐसे अम्ल जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन आयन, मतलब कि आयनन पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, ऐसे अम्लों को बहुक्षारकीय अम्ल कहते हैं। और लिखा है किसी क्षार से आंशिक उदासीन होता है, मतलब उसके सारे हाइड्रोजन मतलब कि क्षार द्वारा उदासीन नहीं होते, तो इसका मतलब उसमें फिर हाइड्रोजन बचा ही रहेगा, और जब हाइड्रोजन बचा रहेगा तो लवण कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। नंबर नेक्स्ट, मिश्रित लवण बनता है। ऑप्शन ए एक अम्ल दो क्षारकों की क्रिया द्वारा, एक अम्ल एक क्षार की क्रिया द्वारा, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में कोई नहीं। तो सबसे पहले मिश्रित लवण देखिए, मिश्रित लवण उन लवणों को कहते हैं
जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन देखने को मिले। यदि एक अम्ल और दो क्षारकों की क्रिया होगी तो एक अम्ल रहेगा और दो क्षारक रहेगा, तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन की संख्या में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर यही सही हो जाएगा कुल मिलाकर। नंबर नेक्स्ट, ब्रांस्टन लॉरी के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है, एक प्रोटॉन दाता की तरह, एक प्रोटॉन ग्राही की तरह, एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह। पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रोटॉन जो देता है वो अम्ल है, तो जो प्रोटॉन लेगा वो क्या होगा, क्षार होगा, अर्थात प्रोटॉन ग्राही की तरह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, Na3PO4 लवण है, Na3PO4 लवण है, अम्लीय क्षारी में H+OH- होना जरूरी है जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है, मिश्रित में एक से अधिक धनायन और एक से अधिक ऋणायन देखने चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है, सामान्य लवण वो होता है जिसमें ना तो H+ हो ना OH- हो, तो इसलिए आपका ये कैसा है, सामान्य लवण है, ध्यान दीजिएगा 11 का ए नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की भांत कार्य करता है, देखिए ये वाला आपका H+SO4- ये दोनों की भांत कार्य करेगा, क्यों, क्योंकि ये H+ ग्रहण करके H2SO4 बना देगा और एक H त्याग करके SO4- बना देगा, तो ये H+ त्यागने और ग्रहण करने का दोनों का काम कर रहा है, इसलिए अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा। नंबर नेक्स्ट, फिनाफ्थलीन गुलाबी रंग देता है, ऑप्शन ए अम्ल के साथ, ऑप्शन ए क्षार के साथ, ऑप्शन बी सी दोनों के साथ, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई किसी के साथ नहीं। तो फिनाफ्थलीन जो गुलाबी रंग है वो क्षार के साथ देता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्षार के साथ फिनाफ्थलीन जो है गुलाबी रंग देता है। नंबर नेक्स्ट, फिनाफ्थलीन है एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, तो फिनाफ्थलीन एक दुर्बल अम्ल है, ये अम्ल है, इसी वजह से फिनाफ्थलीन को यदि अम्ल में डालते तो उसमें कोई कलर नहीं आता, इसका मतलब अम्ल को अम्ल में डालोगे तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पीएच पैमाना विकसित किया था, ऑप्शन ए लुइस ने, ऑप्शन बी ब्रॉन्स्टन ने, ऑप्शन सी आरहिनेस ने, और ऑप्शन डी सोरेनसन ने, तो पीएच पैमाना सोरेनसन ने विकसित किया था। नंबर नेक्स्ट, NH4Cl का पीएच मान होगा, तो सबसे पहले NH4Cl को जब आप जल में डालोगे पहले देख लो होता क्या है, तो Na+ और Cl-। ठीक, देखिए जो यहाँ पर आपका इस तरह से ये टूट गया और उसके बाद H+ जो है इन Cl- से क्रिया करके अम्ल बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रबल अम्ल से आया तो उसमें अम्ल तो बनेगा ही बनेगा, तो जब अम्ल बना लेंगे और अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा आपका, 7 से कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, 7 से कम, तो ये ऑप्शन नंबर बी 16 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ रंग देते हैं, क्षार के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षारक के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, तो देखिए रंग तो देते ही हैं लेकिन अम्ल और क्षारक के साथ कैसा रंग देते हैं, भिन्न भिन्न रंग देते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में त्रिभाष्मिक अम्ल है, तो देखिए इसको जल में डालेंगे 3 हाइड्रोजन आयन निकलेगा, सॉरी यहाँ H3PO4 को जब हम जल में डालेंगे तो यहाँ से आपके 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो जिसमें से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे वही आपका त्रिभाष्मिक अम्ल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।